स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेठ अकाउंटेंसी ट्रिक्स। आई एम प्रवीण सर, योर अकाउंट्स टीचर। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों आप लोगों से इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल एंड एडिशन ऑफ द बुक इज 2022। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप लोगों का सिलेबस कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जो जो चीज़ें काम की हैं मैं साथ साथ समझाता भी चला जाऊँगा और साथ साथ आपका ये इलस्ट्रेशन भी आपको कराता चला जाऊँगा। देन वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, देन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इलस्ट्रेशन 1 जो है वो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न से, जो कि फॉलो किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पॉइंट नंबर 1 ये है बच्चों कि अमर ने इन्वेस्ट किया है ज़्यादा कैपिटल एज कम्पेयर टू अदर्स, इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है 10% पर एनम, बट ललित और चारू जो हैं इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अमर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ललित जो है ज़्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस में और वो 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मांग रहा है, मगर अमर और चारू इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई सैलरी नहीं दी जाती, दैट्स वाई ललित को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि चारू जो है उसने लोन दे रखा है फर्म को 50,000 का, उस पर वो इंटरेस्ट मांग रही है 12% पर एनम का, तो उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन 12% नहीं, 6% पर एनम दिया जाएगा। और 50,000 का लोन है, 6% निकालोगे तो आपका निकल कर आएगा 3,000। 50,000 इंटू 6/100 कर दीजिएगा, 3,000 उसका इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। ठीक है बच्चों, जो दिया जाएगा चारू को 12% नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया जाना है। ठीक है, दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि अमर जो है वो 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए फॉर्म से, ललित और चारू कह रहे हैं कि इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए ड्राइंग्स पे। तो फिर मैं ये कहूँगा बच्चों कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का और अमर कह रहा है कि इसे कैपिटल के रेशियो में बांटो, तो डीड की एब्सेंस में और इंडियन प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस की उसमें के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाता है। ठीक है, कैपिटल रेशियो में नहीं, मगर प्रॉफिट 50,000 नहीं बटेगा, क्योंकि 50,000 में से ये 3,000 रुपये जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आया था वो हटा दीजिएगा, तो 50,000 में से 3,000 हटा दीजिए, बचेगा 47,000। 50,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन के हटा दीजिए, बचेगा कितना, 47,000। इस 47,000 को आप पार्टनर से बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे तीन लोगों में, तो 15,667 15,667 और 15,667 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि ललित चाहता है कि उसका बेटा इंदर भी पार्टनर बन जाए, बट चारू इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रही है। तो बच्चों, पार्टनरशिप बिड की एब्सेंस में और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी नया पार्टनर तभी आ सकता है जब सभी पार्टनर्स एग्री कर रहे हों किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। अगर कोई भी एक मना कर देगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, दैट्स वाई इंदर को एडमिशन नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चों। तो आपने कुल मिला के यहाँ पर ये कंक्लूड किया कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अलाउड नहीं किया जाता, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम दिया जाता है, कोई भी रेमोनरेशन यानी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाता पार्टनर्स को, और प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है अमंग द पार्टनर्स, एंड कोई भी नया पार्टनर तभी एडमिट होगा जब सारे पार्टनर की कंसेंट हो, अगर कोई एक भी मना कर देगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता इनटू द फर्म। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहा गया है बच्चों
कि हैरी और गैरी दो पार्टनर हैं, उनकी डीट तो नहीं है मगर वो एग्री करते हैं कि सैलरी दी जाएगी हैरी को 10,000 पर मंथ, कमीशन दिया जाएगा गैरी को 10% नेट प्रॉफिट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम, और नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक कोई दोनों एग्री ना कर जाएं। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने आपस में एग्री कर रखे थे, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी ठीक है। अब उसके बाद इन लोगों में कोई डिस्प्यूट हुआ दो पॉइंट्स को लेके। पहला कि गैरी भी अब सैलरी मांग रहा है क्योंकि उसे लग रहा है उसे कमीशन जो मिल रहा है वो हैरी की सैलरी से कम मिल रहा है। अब हैरी इसके लिए अगर एग्री नहीं करेगा तो हम ये उसको सैलरी नहीं दे सकते क्योंकि डीड की एब्सेंस में सैलरी नहीं दी जाती है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। तो दैट्स वाई गैरी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हैरी कह रहा है कि उसका बेटे शैरी को पार्टनर बना लिया जाए 25% शेयर के लिए यानी 1/4 शेयर के लिए, बट गैरी ने मना कर दिया। तो अब उसका जो बेटा है शैरी वो अब पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि सभी का एग्री करना ज़रूरी होता है और अगर गैरी ने मना कर दिया है तो वो नया एडमिट नहीं कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर डीड नहीं है तो सबका एग्री होना ज़रूरी होता है तभी नया पार्टनर आ सकता है। क्लियर बच्चों ये दोनों इलस्ट्रेशन? नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ करता है। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको बता दूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीज़ें होती हैं जो देनी ही देनी होती हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द फर्म। ठीक है, चाहे फर्म को प्रॉफिट होगा चाहे फर्म को लॉस होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया ही जाना है। उसी के जैसा होता है रेंट टू अ पार्टनर देबिया रखेगा, वो भी पार्टनर को दिया ही जाता है। ठीक है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इससे जुड़ा हुआ इलस्ट्रेशन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। अमित, बिमल और चमन जो पार्टनर हैं प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। अमित और चमन ने लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर 2021 को, यानी बिल्कुल साल के मिड में, 1,00,000 और 1,50,000 का, और ये एग्री हुआ कि 9% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पे। फर्म अपने अकाउंट क्लोज करती है 31 मार्च एवरी ईयर और इंटरेस्ट ऑन लोन अभी भी दिया जाना बाकी है। आपसे कहा गया है एंट्रीज बनाइए, ठीक है बच्चों, और पार्टनर लोन अकाउंट बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर हम एंट्रीज़ बनाएंगे तो एंट्रीज़ क्या क्या बनेंगी। सबसे पहले एंट्री बनेगी 1 अक्टूबर 2022 को। किस चीज़ की एंट्री बनेगी बच्चों? लोन लेने की। तो जब लोन लेंगे तो पैसा बढ़ेगा बैंक का, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? 2, मैं फिलहाल यहाँ ए लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि मैं अमित के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अमित लोन अकाउंट। क्योंकि जब हम पार्टनर से लोन लेगी तो लोन अकाउंट बढ़ जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 एज लोन अकाउंट, 2 सी इज़ लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, एज लोन अकाउंट में आएगा 1,00,000 रुपये, सी इज़ लोन अकाउंट में आएगा 1,50,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा 2,50,000 रुपये। ये एंट्री तो आप बनाएंगे 1 अक्टूबर को। क्लियर बच्चों? अब 31 मार्च 2022 को, सॉरी 1 अक्टूबर 2021 होगा बच्चों, 22 नहीं, क्योंकि मार्च 2022 को तो अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2021 को लोन लिया गया था, ना कि 1 अक्टूबर 2022 को। अब बनाते हैं इंटरेस्ट की एंट्री जो कि साल के एंड में बनाई जाएगी। इंटरेस्ट निकाला जाएगा 9% पर एनम के हिसाब से, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए, और दोनों एग्री भी करते हैं इसलिए। ठीक है, और इंटरेस्ट पूरे साल का मत निकालिएगा, इंटरेस्ट आधे साल का निकलेगा। तो आधे साल का इंटरेस्ट जो 31 मार्च 2022 को निकाला जाएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, 2 एज लोन अकाउंट, 2 सीज लोन अकाउंट,
1 लाख का 9% 9,000 आधे साल का 4,500, 1,50,000 का 9% 13,500 आधे साल का 6,950 और दोनों जोड़कर आ जाएगा 11,250। तो इतना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया टोटल, ठीक है। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है तो इसको जो हम क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाएगा, जस्ट लाइक ऑल अदर चार्जेस। जितने भी चार्जेस होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के ही क्लोज किया जाता है। तो इसकी एंट्री बनेगी बच्चों 31 मार्च 2022 को ही बनेगी बच्चों, और बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है बच्चों। डेबिट कायदे से आपको यहाँ लिखना चाहिए और 11,250 से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सारे चार्जेस जाते हैं। चार्ज जब प्रोवाइड किया गया तो वो डेबिट हुआ, जब क्लोज़ किया गया तो वो क्रेडिट हुआ। कोई भी एक्सपेंस जब दिया जाता है तो डेबिट होता है और जब उसे क्लोज़ करा जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था इसलिए इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज़ किया, क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन में कहा भी क्या था कि आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे बच्चों तो इसकी शुरुआत होगी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2021 को। तो 1 अक्टूबर 2021 की डेट डालिए और लिखिए यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, 1,50,000, क्लियर बच्चों। फिर 31 मार्च 2022 को इन्हें इंटरेस्ट मिला अपने लोन पे, और लोन पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो लोन बढ़ जाएगा, इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है बच्चों। वैसे लिखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। मैं स्पेस की कमी की वजह से ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिएगा बच्चों। और 31 मार्च 2022 को ही आपको अकाउंट क्लोज करना है तो आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, 1,05,000 ए का आ जाएगा और 156,750 बी का आ जाएगा। टोटल कर दीजिए दोनों तरफ 1,05,000, 156,750, 1,05,000, 156,750। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है उसमें कहा है कि आपके दो पार्टनर हैं अखिल और भारत, जिनमें फिलहाल ए और बी भी यूज़ करूँगा आगे के लिए। ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 2:3 के रेशियो में, कैपिटल उनकी 2 लाख और 1 लाख रुपये है। 1 अक्टूबर 2021 को दोनों ने लोन दिया फर्म को 4 लाख और 2 लाख रुपए का, और इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है एज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। आपको बताना है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और केस 1 में दे रखा है प्रॉफिट 25,000 का, केस 2 में दे रखा है प्रॉफिट 15,000 का, केस 3 में लॉस दे रखा है 25,000 का, और ये जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले के हैं। देखिए लोन है इनके 4 लाख और 2 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दे रखा होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 6% पर एनम निकाला जाएगा, और ये फिलहाल 6 मंथ्स का निकाला जाएगा क्योंकि लोन अक्टूबर में दिए हैं। तो 4 लाख का 6% 24,000, आधे साल का 12,000, 2 लाख का 6% 12,000, आधे साल का 6,000। तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट बेशक इन्होंने 3 केस में दे रखे हैं लेकिन तीनों केसेस के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000 ही रहेगा। 12,000 रहेगा अखिल के लोन का इंटरेस्ट, 6,000 रहेगा बिमल के लोन का इंटरेस्ट, भारत के सॉरी ए और बी के यानी। तो पहले केस 1 में देखते हैं, केस 1 में प्रॉफिट जो था वो था 25,000 इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले, ठीक है बच्चों। तो उसमें से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हटा भी देते हैं 18,000 का जो इन दोनों का जोड़कर आया था तो भी प्रॉफिट 7,000 बच रहा है।
अब इस 7,000 के प्रॉफिट को ए और बी में बांट दीजिए 2:3 के रेशियो में, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आप बगैर स्टेटमेंट से लिखेंगे, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,000 × 2/5, तो ये आ जाएगा 2,800। फिर ऐसे ही आप लिखेंगे बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,000 × 3/5 4,200। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया केस वन, क्लियर हो गया बच्चों। तो केस वन में आपने इंटरेस्ट ऑन लोन इनको दे दिया 18,000 और उसके बाद भी फर्म को प्रॉफिट बच रहा है 7,000 का, वो अमंग द पार्टनर्स बांट दिया गया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा था कितना प्रॉफिट पार्टनर बटेगा, मैंने बांट के और दिखा दिया। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया है बच्चों। केस टू में फर्म का प्रॉफिट था 15,000 केवल, अब उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे 18,000, तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं रहा, लॉस हो गया है 3,000 रुपये का, और 3,000 के लॉस को ए और बी में जब बांटोगे अखिल भारत में तो ये आएगा 1,200 रुपये और ये 1,800 रुपये आएगा 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया हमारा केस टू। प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले, मगर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो, और पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन देने की वजह से फर्म को लॉस हो गया और लॉस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:3 था उसमें बांट दिया गया। बात करें बच्चों केस थ्री की, तो फर्म को पहले से ही लॉस था 25,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो इन दोनों का मिला के आया था वो 18,000 है, वो भी माइनस करेंगे तो फर्म का लॉस और बढ़ जाएगा, क्योंकि दो माइनस फिगर्स आपस में जुड़ जाएंगे तो वो प्लस हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट माइनस ही रहेगा। तो ओवरऑल लॉस आपका जो डिविजिबल लॉस कहूँ बल्कि से, तो वो आएगा 43,000 जो इनके रेशियो में बांट दिया जाएगा ए और बी के रेशियो में, अखिल और भारत के रेशियो में। 43,000 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 8,600। 8,600 × 2 होता है 17,200 और × 3 होता है 25,800, तो 17,200 जो है वो तो रहेगा उसके हिस्से में अखिल के और 25,800 भारत के। और इस तरह से हमारे तीनों केसेस क्लियर हो गए बच्चों। क्वेश्चन में सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस मांगा था, मैंने साथ साथ बांट के भी दिखा दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों ये। और इंटरेस्ट लोन चार्ज होता है, देखिए लॉस होने के बावजूद भी देना पड़ रहा है, चाहे लॉस फर्दर क्यों ना और बढ़ जाए। ठीक है, इसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, जो देना ही देना होता है रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द या इनकर्ड बाय द फर्म। और जितने भी चार्ज होते हैं याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, हमारे आखिरी इलस्ट्रेशन की, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं इलस्ट्रेशन 1-5 डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इलस्ट्रेशन 1-5 तक ही रखेंगे इसमें अपने वीडियो को। तो इलस्ट्रेशन 5 जो है वो रेंट टू अ पार्टनर से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों कि रेंट टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी इसे देना ही देना होगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। ठीक है, और रेंट टू अ पार्टनर देने की एंट्री सिंपल, जैसे किसी बाहर वाले को रेंट देते हैं उसकी जैसी हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर रेंट देना रह गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रेंट पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो आइए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। अमृत और बिमल पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं आपस में। बिमल ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है 1 अप्रैल 2021 को, यानी साल के बिल्कुल पहले दिन से ही, और मंथली रेंट 5,000 है, तो पूरे साल का रेंट 60,000 होना चाहिए। लेकिन फर्म ने केवल अप्रैल से लेके फेब तक का इंटरेस्ट अभी तक पे किया है, यानी 11 महीने का रेंट ही पे किया है केवल, नॉट इंटरेस्ट, रेंट। 5,000 × 11 होता है 55,000, तो अभी कितना रेंट बाकी है, पूरा 5,000। तो 55,000 रेंट पे किया जा चुका है, 5,000 रेंट अभी पे किया जाना बाकी है बच्चों, तो कुल मिला के टोटल रेंट 60,000 है। अब रेंट को पे करने की एंट्री क्या होती है और रेंट के आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है वो देख लीजिए बच्चों। दोनों एंट्रीज बनाई जाएंगी 31 मार्च 2022 को ही। ठीक है बच्चों, जितना रेंट पे कर दिया उसकी एंट्री लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मान लेते हैं कि चेक से पे किया होगा या कैश भी लिख सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, नहीं वैसे यहाँ पर आपको बैंक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि साफ लिखा है पेमेंट चेक से किया गया था, तो आप कैश नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, और
ये तो थी उस रेंट की जो पे कर दिया गया, और उस रेंट की एंट्री बनाते हैं जो भी पे करना बाकी है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, ये आ जाएगा 5,000। ठीक है बच्चों, और फिर इसको क्लोज कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के, क्योंकि रेंट टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज किए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, बेशक ये पार्टनर का रेंट है लेकिन आप इसे लिखेंगे रेंट अकाउंट में ही, लेकिन अगर पार्टनर रेंट अकाउंट में लिख देंगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, 60,000, 60,000। तो हमने मेनली जो इलस्ट्रेशन करे हैं, वन और टू तो हमारा पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस होते हैं उनसे जुड़ा हुआ था, थ्री और फोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से जुड़े हुए थे यानी जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और फाइव जो है वो रेंट टू पार्टनर से जुड़ा हुआ था जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही हुआ करता है ये भी। ठीक है, तो अभी हमने ये टॉपिक्स कवर करे हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जब उसके बारे में पढ़ेंगे तभी उसके बारे में बात करेंगे, अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे अच्छी तरह से अपना जो है सिलेबस करने में हेल्प मिलेगी। मैं आपको ये चैप्टर थॉरली कराऊंगा बच्चों, ईच एंड एवरी थिंग, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल्स भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, हॉट्स क्वेश्चंस भी, इवेल्युएशन क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी। तो बेशक मैं इसी बुक से कराऊंगा सारे, लेकिन आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा रिलेटेड टू ईच एंड एवरी चैप्टर, इस तरीके से ही, इस अप्रोच को फॉलो करते हुए बच्चों। थैंक यू बच्चों।